بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على البشير والنذير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت माँ बाप तो बचड़े खो लेंदी माँ बाप तो बचड़े खो लेंदी औलाद नु मौत यतीम करे माँ बाप तो बच्चे खो लेंदी औलाद नु मौत यतीम करे यारा तो यार न खेड़ दिए यारा तो यार न खेड़ दिए बहना तो खोल दी पाया नो पावे जिंदगी 900 साल होवे एक रोज जुदाई जुदाई ये इको शर्त है अल्लाह दा दीन रह जाए उंदी आन रह जाए उंदी शान रह जाए इको शर्त है अल्लाह दा दीन रह जाए कुरान रह जाए इस्लाम रह जाए लुटी जाए पावे दुनिया कैनात सारी अर्श वाले दे जिंदा तो ही दरह जाए सदा कल्लाहुल अजीम हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ला शानहु दी जात वास्ते जो अल्लाह ताला सारी कायनात दा खाली की माली की राजी की दाता दस्तगीरी और दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दी लखा करोड़ा हजारा
बेशुमारा दुरूदो सलाम दा नजूल हुए। दोस्तों, बुजुर्गो, नौजवान साथियों और सुनने वाले मेरी इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, तुहाडे सामने अल्लाह दे कुरान अंदरों चंद एक आयतां दी तिलावत कीती है। दुआ करो अल्लाह पाक सही बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। मैनू और तुसानू सारियां नू अल्लाह ताला सुन सुना के अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। अज दा मौजू बड़ा अहम मौजू है, जिसका मैं नाम रखिया है इंसानियत मौत के दरवाजे पर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अंदर ऐलान फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। फरमाया, पूरी दुनिया कायनात फना हो जाने वाली है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये चंद सितारे, सूरज, पहाड़, दरिया, ये जमीन, ये मखलूकात, ये नबातात, ये जमादात, ये इंसान, हिमान, जरेंद, चरेंद, परिंद, हत्ता के फरिश्ते। फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, ये सारी दुनिया कायनात, बल्कि इन समझो 14 तबक दी कायनात, सत्ते जमीना ते सत्ते आसमान ते इन्हां दी मखलूकात, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। हत्ता कि वह फरिश्ता जिन्हों मलाकुल मौत किया जाए, जिहड़ा लोगों दियां रूहां नूं कबज कर दे, वह फरिश्ता भी खत्म हो जाएगा। फरमाया, सिर्फ बाकी रहन वाली हुआ या बका वजहु रब्बी का जुल जलाल वल इकराम, तेरे अल्लाह दा चेहरा बाकी रहन वाला है, अल्लाह ताला दी जात बाकी रहन वाली है, बाकी सब कुछ फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी इन समझो कि जेड़ा दुनिया कायनात ते पैदा होया है ना, वो पैदा होया ही मरण वास्ते, या इन्नी को हकीकत है। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, इतनी कलील मुद्दत में आए चले गए। ऐ वेखो ना, जो अजान होंदी है, अजान तो बाद 15-20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद जमात खड़ी होंदी है। सिर्फ थोड़ा जहा टाइम होंदा है, बड़ी जल्दी दौड़ करके अगर किसी ने पेशाब पखाना करना है, अल्लाह अकबर इस्तंजा करना है, फिर वजू करके जल्दी नाल सुन्नतां पढ़नी है, नमाज नाल मिलन वास्ते, जमात दे नाल रलन वास्ते, यानी बिल्कुल थोड़ा जहा टाइम होंदा है। अगर गौर करें, जो बच्चा पैदा होंदा है उनके कान अंदर अजान पढ़ी जाती है, लेकिन जमात नहीं होंगी। जो बंदा फौत होंदा है तो नमाज़े जनाजा की शक्ल अंदर फिर ना अजान होंदी है, ना तकबीर होंदी है, बल्कि डायरेक्ट नमाज़े जनाजा अदा किया जाता है। तो तेरी सारी 50-60 साल की जिंदगी, तेरी 100 साल की जिंदगी, या जिमें पहलिया उम्मतां की 1000-1000 साल उन्हां दी उम्र। फरमाया, ये सारी इन्ना को टाइम बनता है जिमें अजान ते जमात का दरमियानी वक्त होया करता है। इन्ने थोड़े वक्त वास्ते बंदा की कोठियां ते महल नहीं बनांदा, किसे दा हक नहीं मारदा, किसे ते जुलम नहीं करदा, कि इन्ने कलील वक्त अंदर ये कोठियां महल ते इत्थे ही रह जाने ने, असी कब्रस्तान दे मुसाफर बन जाना है। अल्लाह मैनू तुहानू सारियां नू कबर दी कियामत दी आखरत दी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करे आजे आ मेरे मुसलमान वीरा, इमाम उल अंबिया, खतीब उल अंबिया, सैयदुल बशर अल कियार करन वाले, हसनैन करीमैन दे नाना जान अल प्यार करन वाले, बंदी बंदी थोड़ा पीछे करके बनो यार, थोड़ा पीछे करके बनो, तो बने अंदर अड़ रहे हैं, थोड़ा पीछे करो। आ मेरे मुसलमान वीरा, इमाम उल अंबिया, खतीब उल अंबिया, सैयदुल बशर नाल प्यार करने वाले, मेरे नबी दे अदना इशारे ते अपनी जान कुर्बान करने वाले। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमांदा है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम।
नाथ फरनाओ जान वाली। मैं तेरे सामने आज मौजू बयान करना है इंसानियत मौत के दरवाजे पर ऐ गौर करना लाहो अकबर कबीरा ऐ गौर कर आईना मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम। सही बुखारी शरीफ अंदर हदीस मौजूद मेरे नबी मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ फरमान मेरे नबी दी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला नो पैगाम कल दियां ने एक गुलाम दे जरिए फरमाया जा मेरे अब्बू नु जा करके कहो ना अब्बू जी घर तशरीफ ले आओ ना। फरमाया की गल है? फरमाया तुहाडा बेटा इब्राहिम सख्त बीमार है सैयदा ज़ैनब दा वीर और नबी पाक दा बेटा हजरत इब्राहिम सख्त बीमार ने तुहाडी बेटी कह रही अब्बू जी घर तशरीफ ले आओ ना। ते मेरे नबी फरमांदे ने ओ आन वाले पैगाम ले आन वाले आ जाके मेरी बेटी नु पैगाम दे दे मैं घर नहीं आवांगा मेरिया अखां दे सामने मेरे बेटे दी जान निकलेगी मैं बड़ा रखी कुल कलबा मेरिया अखां बरस जान गियां मेरे कोल शायद बर्दाश्त ना होवे मैं घर नहीं आवांगा ए गुलाम वापस गया वे। ते सैयदा ज़ैनब दोबारा कहन लगियां ने ओ आन वाले आ जाओ मेरे अब्बू नु कवी तुहाडी बेटी कह रही कि तुहानू अल्लाह दा वास्ता है घर तशरीफ ले आओ ना। जदों बेटी ने अल्लाह दा वास्ता दे करके मेरे नबी नू पैगाम दिता है मेरा नबी घर तशरीफ ले आया इन करके सैयदा ज़ैनब ने अपने वीर नू उठाया मेरे नबी दे बेटे नू उठाया जिंदी उम्र 16 या 18 महीने दी उम्र है ये मासूम जी कली ये माँ दा दुध पीन वाला बेटा वे इन करके सैयदा ने अपने वीर नू उठाया वे मेरे नबी दी गोद अंदर लटा के फरमान लगियां मेरे आका जी मेरे अब्बू जी रिफ़क़ो मिन कवारीर ए मेरा बेटा है मेरा भाई ए तुहाडा बेटा इब्राहिम ए ते रेशम दे लालियां नालों भी ज्यादा नरम है इन्ना जिस्म जिवें रेशम हुंदा इन्ना नरमो नाज़ुक है क्योंकि नबी पाक दा बेटा है हुसन दा शहजादा वे। फरमाया अब्बू जी ए तुहाडी गोद अंदर तुहाडा बेटा लेट गया वे इंसानियत मौत के दरवाजे पर मेरा नबी अपने बेटे दिया अखां नाल अखां मला रहा वे इंज चेहरे ते नजरां लगाईयां ने इंज वेखदियां वेखदियां मेरे नबी दे बेटे दा साह उखड़न लग पिया वे साह बड़ा औखा आ रहा है मेरे नबी इंज करके अपने बेटे नूं हत्थां ते लिया वे इंज आसमानां वल चेहरा उतारिया फरमाया अल्लाह तू जानना वे अल्लाह अकबर कबीरा ए मेरा लखते जिगर ए मेरा नूरे नजर ए मेरा बेटा वे ऐ परवरदिगार आलम अगर मेरे बेटे नूं जिंदगी अता कर देवे तैनूं कोई पुछण वाला नहीं अल्लाह नूं जिंदगी अता कर दे अल्लाह नूं जिंदगी अता कर दे अल्लाह नूं सेहत तंदुरुस्ती अता कर दे। लेकिन मेरा तसव्वुर अल्लाह फरमाउंदे ने ऐ मेरे नबी मैनूं तेरे नालों तेरी खत्मे नबूवत दी ज्यादा फिकर है अज मैं तेरी गोद दे अंदर तेरे बेटे नूं फौत करके अल्लाह अकबर कबीरा खत्मे नबूवत दा तैनूं ताज पहना रहा वां अल्लाह अकबर कबीरा मा काना मुहम्मदुल अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबी माया मेरे नबी मैं तेरे सारे बेटियां नू छोटी उम्र अंदर ही फौत करके अपने कोल बुला लिया वे ताकि कल नू कोई इंज ना कवे कि नबी पाक दा बेटा फलां गली च खड़ा दी नबी पाक दा बेटा इंदे कोल फलां काम हो गया क्योंकि नबूवत ते नबी पाक ते खत्म हो गई है ना। अंबिया गुनाहां ते गलतियां तो मासूम हुंदे ने अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया सोनिया तेरी खत्मे नबूवत दिखा अज मैं तेरे बेटे
ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਕਲਬ ਯਹਜ਼ਾਨੂ ਵੱਲ ਆਈ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਦ ਮਹਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਮਖਮੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਗੇ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਅੱਲਾ ਸੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇੰਨਾ ਬਿ ਫਿਰਾਕੀ ਕਾ ਲਮਖਜ਼ੂਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੰਨਾ ਗਮਜ਼ਦਾ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਏ, ਇੰਨਾ ਮਗਮੂਮ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਪਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਖ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹੇ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਉਹ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਤਾ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਤਾ ਪਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਸਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਹਮ ਸਾਜ਼ੇ ਗਮੇ ਦਿਲ ਛੇੜੇਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਯਾ ਨਾ ਹੋ, ਹਮ ਸਾਜ਼ੇ ਗਮੇ ਦਿਲ ਛੇੜੇਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੋ, ਨਗਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮਜਰੂਬੇ, ਕੋਈ ਸਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੋ, ਹਰ ਆਖ ਕੇ ਗੋਸ਼ੇ ਗੋਸ਼ੇ ਸੇ, ਹਰ ਆਖ ਕੇ ਗੋਸ਼ੇ ਗੋਸ਼ੇ ਸੇ, ਅਬ ਖੂਨ ਟਪਕਨੇ ਵਾਲਾ ਗਏ, ਹਰ ਆਖ ਕੇ ਗੋਸ਼ੇ ਗੋਸ਼ੇ ਸੇ, ਅਬ ਖੂਨ ਟਪਕਨੇ ਵਾਲਾ ਗਏ। ਬਖੇਰੇਂਗੇ ਬਿਖਰੇਂਗੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲਾਲੋ ਗਹੁਰ, ਕੋਈ ਚੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਯਾ ਨਾ ਹੋ, ਕੁੱਲੂ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਪਾਣ ਵਾ ਯਬ ਕੋ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੌਤ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਕੈਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਬੀ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਇੰਡ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਪਰ ਕਹਿ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੌਤ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੌਤ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ, ਚੱਲ ਵੇਖ ਕਬਰ ਦੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੇਰ ਹਨੇਰ ਸਵੇਰਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰਾ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਹੱਥੀ ਪੁੱਤਰ ਟੋਰੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉਚੇਰੇ ਨੇ, ਦਸ ਥੱਲੇ ਵੱਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਜੜਿਆਂ ਦਾ
बेड़ा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग उते इको ही फेरा है। अल्लाह अकबर कबीरा इस वास्ते हमेशा याद रखिया कर। अल्लाह अकबर कबीरा कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर बंदे ने हर जान ने मौत का ज़ायका चख करके रहना वे। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरूना मिनहु फइन्नहु मुलाकीकुम, तुसी मौत तो नसदे भजदे फिरदे हो लेकिन मौत तुहाडे नाल मुलाकात करके रहेगी। कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ए पूरी दुनिया के नाते हर ज़ीरो ए तबाहो बर्बाद हो करके रहेगा। ए सब कुछ फना हो जाने वाला है, इंसानियत मौत के दरवाजे पर अगर बाकी रहेगी ते फकत अल्लाह कल्ले दी ज़ात ही बाकी रहेगी। भर के खुदारा तवज्जो करया जी, मैं इतना बड़ा खतीब नहीं, अदीब नहीं, शायर नहीं, वाइज नहीं, लेक्चरार नहीं, मुअर्रख नहीं, तारीख दान नहीं गा, और टाउनशिप दे रहन वाले लाहौरिया, मैं तेरे दरवाजे ते आया वा, मैं अल्लाह दा कुरान सुनान आया वा, मैं नबी दा पैगाम पहुँचान आया वा, मैं तौहीद दा झंडा लहरान आया वा, मैं तुहाडियां झोलियां दे अंदर नबी पाक दी सुन्नत दे फुलां दी खुशबू नो पान आया मां। ऐ वेख ना अल्लाह अकबर कबीरा, मैं दसा इंसानियत मौत के दरवाजे पर, मैं एक दफा मौत नू बड़े करीब तो वेखिया वे, सन 2006 दी गल ए, मैं सत्याना बंगला मरकज दावा तो सल्फिया दे अंदर जेरे तलीम सां, मैं 6वीं कला चो 7वीं कला चो है दर्जा साबिया दे अंदर यानी बुखारी शरीफ दी कला दे अंदर, ए सन 2006 दा या करे अभी 6-7 लड़के इन करके तालब इलम मदरसे दे अजी सत्याना बंगला तो इन करके फैसलाबाद किताबा खरीदन वास्ते, हदीस दिया किताबा खरीदन वास्ते अमीनपुर बाजार अंदर जान लगे हैं। एक मुस्लिम टैम 72 सी गड्डी चल दी गई, ए उकाड़े तो इन करके फैसलाबाद चल दी गई, इन करके सत्याना बंगला स्टॉप ते आ करके गड्डी रुकी है। अजी 6-7 तालब इलम अल्लाह अकबर कबीरा असी सारे उस गड्डी ते सवार हो गए। उस वक्त अक्सर गड्डी दी छत ते सफर करदे सी तालब इलम, असी सारे गड्डी दी छत ते बैठ गए, उत्ते दुध दे काफी कैन पए होए सी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करिए मैं मौत नू इन्ना करीब तो वेखिया वे, इंसानियत मौत के दरवाजे पर। अल्लाह अकबर कबीरा, असी तकरीबन 6-7 तालब इलम, एक तालब इलम दा नाम सरफराज सी जिहड़ा दूसरी कला च दर्जा सानिया च पढ़न वाला, ये हड़प्पे दा रहन वाला सी। अल्लाह अकबर कबीरा, एंड करके जो गड्डी ते सवार होया, एंड करके थोड़ी जी उच्ची जगह टायर ते बैठा होया, मैं दे नाल बैठा वा, मैं उन्हें एंड करके गोडियां दे उत्ते हाथ रखे हुए थे, और दीगर साथी मेरे नाल दे तालब इलम नाल नाल बैठे ने। एंड करके चलदियां चलदियां एक और गड्डी आई गई, इन्हां दोवां बसां ने रेस लगा दी, एंड गड्डियां नूं दड़ांदियां दड़ांदियां आली 7-8 किलोमीटर दी सफर कीता वे। अचानक गड्डी दे अगले दोवें वीर ए दरमियान चो हिल करके अल्लाह अकबर कबीरा निकल गए ने, दोनों टायर खुल के सैर ते हो गए ने अल्लाह अकबर कबीरा, ते गड्डी इंज करके उल्ट गई है। जो गड्डी उल्टी ना असी सारे इंज करके अल्लाह अकबर सड़क ते आ डिगे, पूरी तरह गड्डी उल्ट गई है। जेड़े मते ने ये सरफराज नामी लड़का जिन्हें गोडियां ते मैं हाथ रखे सी ना, अल्लाह अकबर कबीरा इन्हें कोई चीज लगी, अल्लाह अकबर कबीरा एंड करके उन्दे गले ते कोई चीज लगी, इन करके सुराख हो गया वे, एंड सीने ते गले ते कोई चीज लगी शरिया वगैरह, एंड पिछो निकल गया वे, लेकिन तड़पन लग पिया वे, तड़पदा पिया वे। एंड करके लोग सारिया गड्डिया वाले दीगर मुसाफरे जमा हो गए ने। अल्लाह अकबर कबीरा जिन्हें भी जख्मी सी इन्हां नूं इंज करके जल्दी नाल हस्पिटल हस्पताल अंदर ले जाया जा रहा वे। अल्लाह अकबर कबीरा इन्हां बस दे शीशे तोड़ करके मुसाफरां नूं बाहर कढ़िया, इंज करके दुध भी डुल गया ते लोगां दा खून, इन्ना अजीब कियामत बरपा हो गई है। अल्लाह बाई मुसाफर होते इंज करके मर गए सन, मेरे भी इंज करके वखी अंदर 4 टांके लगे ने। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे नाल एक और तालब इलम सी जिहड़ा तांदरे दा रहण वाला, अल्लाह अकबर कबीरा गौर करिया जिना Thank you.
सारे साथी जमे का एहतराम करो, बैठ जाओ आराम नाल, बैठ जाओ। इंतजामिया देख तो साथी अंदर है, बाकी बैठ जाओ साथी। खुदारा तवज्जो करे अरे अल्लाह अकबर कबीरा, इंज करके बस जी दो उल्ट गई ना, तकरीबन 22 मुसाफर इंज करके फौत हो जाते ने। जेड़ा मेरे नाल तालब इलम मेरे अल्लाह अकबर कवे सरफराज नामी हड़प्पे दा बिल्कुल मेरे करीब बैठा दी, उन्दे इंज करके गर्दन दे अंदर शरिया लग गया, सुराख हो गया है। जल्दी नाल उठा करके हस्पताल अंदर लै करके गए ने। ये असर तो बाद दावा किया वे और मगरब तो बाद उन्दी मैयत इंज करके मदरसे दे अंदर आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो मदरसे के अंदर उनकी मैयत आ गई है तो मदरसे के अंदर कोहराम मच गया वे। इन करके साढ़े शेख उल हदीस अल्लाह अकबर कबीरा अब्दुल्ला अमजद छतवी साहब और साढ़े मदीर अल्लाह अकबर अतीकुल्ला सलवी साहब, सारे उस्ताद रो रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा मौलाना अतीकुल्ला सलवी साहब ने मदरसे के अंदर ही उनकी नमाज जनाजा अदा की दी, फिर मैयत हड़प्पे अंदर पहुँचा दिता गया है। मैं वेखिया इंसानियत मौत के दरवाजे पर, अल्लाह जानता है फिर गड्डी तो इन्ना डर लगन लग पिया। मैं 3-4 महीने वापस घर नहीं आया, मैनू गड्डी उत्ते बैठन तो भी डर लगता सी। जदों बंदा मौत नू इन्ना करीब तो करके वेख लैंदा है ते बंदे नू फिर कबर याद आ जाती है, बंदे नू अपनी आखरत याद आ जाती है। लेकिन साड़ी हर वक्त एक कैफियत होनी चाहिए ना, असी मर के कबर अंदर जाना ही जाना है, असी अल्लाह अकबर दुनिया नू छड़ करके जाना ही जाना वे। इस वास्ते इंसानियत मौत के दरवाजे पर, जो कोई मैयत साढ़े सामने आँदी है, जो कोई जनाजा साढ़े सामने आ जाता है, असं उदो बड़े गमजदा हो जाने, बड़े परेशान हो जाने। लेकिन 2-4 दिन गुजरते ने, असी दोबारा अपनी रवश इख्तियार कर लेने, फिर बेनमाज बन जाने, फिर झूठ बोलने, ये सारे फरार दोबारा शुरू हो जाते ने। अल्लाह अकबर कबीरा ते अल्लाह दा कुरान कहंदा है कुल्लो मन अलैहा फाल वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। फरमाया हर चीज ने फना हो करके ही रहना है, हर चीज ने खत्म हो करके ही रहना है। अल्लाह अकबर कबीरा, इंसानियत मौत के दरवाजे पर है, गौर करे अरे अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी दा शफीक चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला नो, ए बड़े बहादुर इंसान ने, जो मुसलमान होए ने ना, एक सैर ते हजरत उमर ने, एक सैर ते सैयद हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला नो ने, एन करके हाथ अंदर तलवारां पकड़ियां ने। फरमाया याका जी अज बैतुल्ला दे सिहन अंदर जा करके नमाज अदा की जाएगी। इन्ने बहादुर से अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जो जंगे ओह दोए ना, नबी पाक अपने 70 सहाबा अल्लाह अकबर कबीरा अपने सारे सहाबा नू लै करके इन करके ओहद दे मैदान अंदर, ओहद पहाड़ दे दामन अंदर चले गए ने। मेरे नबी दा शफीक चचा हजरत अमीर हमजा इन्हां ने अपने इन करके अल्लाह अकबर कबीरा अपने सर ते एक सुरख रंग की पट्टी बन ली। इन्हां माना की सी, फरमाया कि इंज करके न डर हो करके जंग लड़न लग पैने, इंज काफरां दीआं सफां दे अंदर घुस जांदे ने। जिहड़ा सामने आंदा है तलवार मार के गर्दन तन तो जुदा कर देंदे ने, बीसियों काफरां नूं जहन्नम वासल कीता वे। लेकिन लड़दियां 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 एक वैशी बिन हरब ने इंज करके छुप करके नेजे दा वार कीता वे। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अमीर हमजा दे नाप ते इन करके नेजा मारिया वे, जिन्नू जहर लगाई गई थी, इन करके जमीन ते गिरे ने। फिर इन्हें आ करके तलवार दा वार कीता। मेरे नबी दा शफीक चचा शहीद हो गया। जो जंग खत्म हुई ना, वेखिया शहादा दियां मैयतां नूं इकट्ठा करन लगे ने। नबी पाक दे 70 सहाबा शहीद हो चुके ने, लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमान
मुसलमानों नु फतह ता फरमा दिती है, लेकिन 70 इंज करके नबी पाक दे सहाबा शहीद हो गए ने उहद मैदान दे दामन दे अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा, जदों मेरे नबी अपने चचा दी मैयत दे करीब गए ने, मेरे नबी दे रोंगटे खड़े हो गए ने, इंज करके चेहरा पहचाने ही नहीं जांदा। इन्ना काफरां बेईमानां ने मेरे नबी दे चचा दी लाश दा मुसला कर छड़िया वे, इंज करके अखां दे डेले बाहर कढ़ दित्ते गए ने, इंज करके नक नूं वी कढ़ दित्ता गया वे, इंज कन्नां नूं वी कढ़ दित्ता गया वे, इंज करके होंठां नूं वी कढ़ दित्ता गया वे, इंज करके कलेजा चीर करके सीना चीर करके कलेजे नूं बाहर कढ़िया गया वे, इंज करके उंगलियां दे पोरियां नूं कटिया गया वे, यानी लाश मुबारक दी बेहुरमती कर दित्ती, मुसला कर दित्ता गया। मेरा नबी अपने चचा अमीर हमजा दी मस्जिद दे कोल गया वे, मेरा नबी जारो कतार रोई जांदा वे, मेरा नबी रोई जांदा वे। एक सहाबी कहन लगा, या काजी अल्लाह तुहाडी फूफी सफिया आ रही है, हजरत अमीर हमजा दी हमशीरा आ रही है। अल्लाह अकबर करे, ते मेरे नबी ने फरमाया, जाओ जाओ करके मेरी फूफी नू कहया जे अपने वीर दी मस्जिद दे करीब ना आवे, ओना चेहरा वेखण दे काबल नहीं रहा। औरतां दा अल्लाह अकबर दिल छोटा हुंदा वे, किते मेरी फूफी इन करके अपने वीर दी मस्जिद नू वेख करके दिल बर्दाश्त ना करके किते वावेला करना शुरू ना कर देवे। जा करके अल्लाह अकबर कबीरा, ओना दे बेटे ने पैगाम दिता अम्मी जान, अल्लाह अकबर कबीरा नबी पाक दा हुक्म है के मस्जिद दे करीब नहीं जाना। इन्ना काफरां ने मस्जिद दा मुसला कर छड़िया वे, बेहुरमती कर दिती है, इस वास्ते करीब ना आया जे, लेकिन मैं कुर्बान जावा। सजदा सुफैया कहन लगी, जा करके मेरे नबी नू ए पैगाम दे आ जे, अगर तुहाडा हुक्म है एक कदम भी अगे नहीं उठावांगी, लेकिन अगर तुहाडा ए ख्याल है कि मैं सबर नहीं करांगी, मैं अपने वीर दे चेहरे नू वेख करके अल्लाह जुलम नू वेख करके चीखो पुकार करांगी, मैं वेला करांगी। ते इहो जी कोई गल नहीं, मैं ते अपने वीर दी मैयत ते खड़ी होके फखर करांगी। अल्लाह ने मैनू इन्ना वीर अता कीता है जिहड़ा नबी और नबी दे दीन ते कुरबान हो गया वे, जिन्ने अपना तन मन धन अपनी जान कुरबान कर दिती है। मेरे नबी ने इजाजत दित्तियां ने, सैयदा सुफैया रज़ी अल्लाह तआला ने इंज अपने वीर दी मैयत दे कोल आईए, लेकिन अखां ते बरस पैंदियां ने ना, मेरा नबी वी रो रिहा वे, अमीर हमजा दी भी बहन वी रो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन गौर करिया जे इंसानियत मौत के दरवाजे पर जदों ये हालत वेखी ना, मेरे नबी फरमांदे मेरा दिल करदा है मैं काफरां दीआं 70 लाशां दे मसले करां, लेकिन अल्लाह फरमांदा ना ना मेरे नबी, उन्हां ने इहो जी गल्लां को ज़ुल्म कीता वे, तुसां सबर करना, मैं अल्लाह आपे ही बदले लै लवांगा। लेकिन जिहड़ी मैं गल करना चाहना वा, हजरत अमीर हमजा दी इक बेटी है, छोटी जी बेटी है, इंज करके दौड़दी हुई अबू अबू पुकारदी है, ए मेरे नबी दी गोद अंदर आ गई है, कहती आका जी मेरा अबू किथे चला गया वे। मेरे नबी इंज करके अमीर हमजा दी बेटी दे सर ते हथ रख आवे, ए यतीम हो चुकी है, इहनू सीने नाल ला आवे, फरमाया बेटी तेरा अबू ते अल्लाह दी जन्नत अंदर पहुंच चुका वे। अल्लाह अकबर कबीरा, फरमाया बेटी तेरा अबू ते अल्लाह दी जन्नत अंदर पहुंच चुका वे, और मेरे नबी नो ते ऐलान फरमाया अल्लाह अकबर, फरमाया सय्यिद शुहादा इंदल्लाह यौमल कियामत अल हमजादू, फरमाया ए लोगो सुन लो ना, कियामत वाले दिन जिन्ने भी शहीद अल्लाह दी अदालत च पेश होवणगे, उन्हां सारे शहीदां दा अगर कोई सरदार होएगा ते मेरा चचा अमीर हमजा सरदार होएगा। मेरे चचे नू अल्लाह ने सैयद शुहादा बना दिता वे, सारे शहीदां दा सरदार बना दिता वे। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन मैं एक गल करना चाहना वा, इंसानियत मौत के दरवाजे पर, इंसानियत मौत के दरवाजे पर अज दिल खून दे आंसू रो रहा है ना, ए काफ
बाकी साथियों नूं पता है ये तो दो दिन पहले दी गल है अल्लाह सताईए रोदे दी गल है अल्लाह अकबर कबीरा जुमे दा दिन सी रात इशा तो बाद मेरा वड्डा भजन करके अचानक कम तो वापस आया वे कारोबार तो वापस आया वे इन करके जो घर अंदर आया वे अल्लाह मगरब तो बाद खाना खाता है इन गल्लां बातां करदिया करदिया एक जनाजे का ऐलान होया वे ये जनाजा पढ़ने वास्ते चला गया वे शादी नमाज तो बाद वापस घर आया वे इन करके आ करके बैड ते बैठ गया वे अपनी बीवी नाल गल्लां करदिया करदिया अल्लाह अकबर कबीरा कहन लगे चलो हुण सौ जाने इन करके बैड ते बैठे इन्हां दी बेगम उठ करके बाहर आ गई इन करके पांच मिनट नहीं गुजरे अपनी बीवी नूं आवाज मारी फरमाया मेरी गल सुनना कहन लगी मैं आ रही हां एवें पांच सत्त मिनट गुजरे ने दोबारा आवाज नहीं आई इन्हें अंदर जा करके देख आवे इन दीवार दे नाल बैड लगा वे मेरा भाई बैड ते बैठिया इन करके ते दीवार नाल लगा आए आवाज बंद हो चुकी है इन करके जिसम ठंडा पड़ गया वे उन्हें इन करके हाथ लगाया ते बैड उत्ते डिग पए ने अल्लाह अकबर कबीरा जल्दी नाल अपने बेटे नूं जगाया वे इन करके महल्लेदार भी कुछ लोग कट्टे हो गए ने जल्दी नाल गड्डी मंगवा करके कार मंगवाई गई उनके अंदर बैठा करके चूनिया हस्पताल अंदर लै गए ने अल्लाह अकबर कबीरा उन्हें ड्रिप लगा दी कोई टीके लगाए ने दो तीन घंटे उत्थे रहे ने सुबह फजर तो पहले उन्हें आख्या साढ़े वसों कम बारे इन करके चूनिया तो चले कसूर आ गए ने कसूर अंदर जा करके इन करके हॉस्पिटल अंदर जा करके सिटी स्कैन कराया और ना किया कि दिमाग दी नस फट चुकी है अल्लाह अकबर कबीरा और ना भी ड्रिप लगा करके फरमाया इन्हें लाहौर लै जाओ और ड्रिप लगी दे अंदर ही इन करके एम्बूलेंस से पा करके लाहौर ले आंदा गया वे इन करके जनरल हॉस्पिटल के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा इधो जनरल हॉस्पिटल अंदर ले आंदा गया वे तकरीबन सात आठ दिन इस हॉस्पिटल के अंदर रहे ने नौ मई नूं फौत होए ने इन करके हस्पताल अंदर ले आंदा गया वे इंसानियत मौत के दरवाजे पर मैं दसना है चाहना वा इन करके छे सात दिन आठ दिन जिंदा रहने लेकिन अल्लाह की कसम अपनी जबान चो एक लफज भी नहीं बोल सके बंदा हसदा खेड़दा बिल्कुल सही सारे बंदे दे सर दर्द भी नहीं होया अचानक बंदा जमीन ते गिरे ते इन करके हालात बन जावन और छे सात दिन जिंदा रहे जबान चो एक लफज भी ना बोले अल्लाह अकबर कबीरा इन पहले ही अखां बंद हो गई जिवें बंदा कोमे अंदर चला जाता वे ते मैं अपनी मुहब्बत का इजहार इंज करना चाहना वा मैं दुख का इजहार इंज करना चाहना अल्लाह अकबर कबीरा मेरा प्याई भाई कहता होगा ना अल्लाह अकबर कबीरा जो मेरिया अखां खुलिया सी सारे मेरे नाल प्यार करने वाले सारे बिरादरी वाले रिश्तेदार महल्ले वाले सारे बंदे लैन देन करते ने लेकिन जो अखां बंद हो जांदियां ने फिर अपने भी रोंदे ने बेगाने भी रोंदे ने अल्लाह अकबर कबीरा ते मैं इंज कहना वा अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा अपना ते अपना बेगाना मैनू रोएगा अपना ते अपना बेगाना मैनू रोएगा जमाना मैनू रोएगा अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोएगा अपना ते अपना दीवाना मैनू रोएगा बेगाना मैनू रोएगा कई लोक लोक रोनगे कई बुक बुक रोनगे कई लोक लोक रोनगे कई बुक बुक रोनगे गलियां दा न्याणा ते सयाना मैनू रोएगा अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोएगा अपना ते अपना बेगाना मैनू रोएगा
नहीं रोएगा जिन्ने कद कदराना कितिया ने मेरिया जिन्ने कद कदराना कितिया ने मेरिया लभदा फिरेगा आपे मिट्टी दियां टेरियां लभदा फिरेगा आपे मिट्टी दियां टेरियां पया जादियो नू पछे तो ना मैनू रोएगा पया जादियो नू पछे तो ना मैनू रोएगा अपना ते अपना बेगाना मैनू रोएगा अल्लाह जानदा जे अल्लाह अकबर कबीरा मेरे भाई दी मैयत दो घर अंदर पहुंचिए असी भी लाहौरों सारे चल करके अल्लाह अकबर कबीरा घर अंदर पहुंचे हाँ अल्लाह जानदा मेरे 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 मेरी परजाई मेरे भाई दी बेगम अल्लाह अकबर कबीरा इन दा दुख पहुंचिए उन्हां दी अम्मी पहले ही फौत हो चुकी है उन्हां दा अब्बू भी पहले ही फौत हो चुकी है अज सरदा साईं फौत हो गया घर अंदर चार बेटियां मौजूद ने दो बेटे मौजूद ने अल्लाह अकबर कबीरा लोग बेटियां नाल भी प्यार करदे ने लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा मेरी परजाई इन करके दुखी परेशान हो गई ते मैनू एक जुमला याद आ गया मैं इंज कहना वा लोकां दियां जद उजड़न तियां ते टुर जांदियां ने पेके लोकां दियां जद उजड़न तियां ते टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां ना साईं रिया ना पेके अज सरदा साईं नहीं चला गया वे मेरी अम्मी भी फौत हो गई मेरा अब्बू भी फौत हो गया घर अंदर चार तियां मौजूद ने जरा तसव्वुर अंदर आना किदां आलम होएगा अल्लाह अकबर कबीरा मेरे भाई दी सब तो बड़ी बेटी तकरीबन 16-17 साल दी इन्ना सदमा लिया वे बाप दी वफात दा इंसानियत मौत के दरवाजे पर जो इन करके मैयत घर अंदर कहिए इन कुहराम मच गया ते बेटी बेहोश हो करके गिर गई है मेरे वड्डे भाई ने उसनु पकड़िया वे दीगर लोगों ने पकड़ के फौरन हस्पताल अंदर लै गए ने बेहोश हो गई उन्हों जा करके ड्रेप लगाई गई है इधर घर अंदर बाप दी मैयत बही है इधर बेटी सदमा बर्दाश्त ना कर सकी बेहोश हो गई है इन अल्लाह अकबर कबीरा ले जा करके हस्पताल अंदर ड्रिप लगवाई गई है और तीन दिन उस बेटी नु हस्पताल अंदर ही रखिया गया वे अल्लाह अकबर कबीरा इंज करके जो मौत आती है जो जवान इंज करके फौत हुंदा है एक गल बड़ी अजीब मैं वेखी है मैं आखिया अब्बू मैं कफन लैन वास्ते चलिया वा मैं अपने वड्डे भाई का कफन लैन वास्ते जान लगा मेरा अब्बू कहन लगा पुत्र कफन लैन ना जावी मैं आखिया अब्बू खैर है ना कफन ते देना ही हुंदा है ना पर मैं अपनी अम्मी दे कोल जा मैं अपनी अम्मी दे कोल गया वा उन्हू मोटरसाइकिल ते बटा के मेरा घर थोड़ा जिहा नाल दूसरे महल्ले अंदर है अम्मी कहन लगी घर जाना है जो घर अंदर गए जा करके पेटी नू खोलिया गया वे मेरी वालदा ने दो कफन बाहर कढ़े एक जनाना कफन एक मर्दाना कफन है मैं आखिया अम्मी ये किंदा कफन है मेरी मां रोन लग पई कहन लगी पुत्र तेरे अब्बू दा कफन है मैं अपना कफन लैके असी घर अंदर रखिया होया वे अल्लाह अकबर कबीरा अज तेरा अब्बू कहिंदा मैं अपना कफन अपने पुत्र नू दे रहा ये मैं गल्लां सुनदा सां कई लोग ये पंजाबी जबान झटके वडेरे लोग कहंदे ने कि जवान पुत्र बुढ़े बाप दा कफन खो के दे जा रहे ये गल मैनू उदन समझ आई है मेरे बाप ने जो अपने जवान पुत्र नू कंधा दिता है मेरा अब्बू भी रो रहा वे अल्लाह अकबर सारे रो रहे ने लेकिन मौत किसे दा ख्याल नहीं करदे इंसानियत मौत के दरवाजे पर जदों मौत इंज करके दहलीज ते आ जांदी है हस दे वास्ते कर नू मातम बरपा करके वीरान ते परेशान कर देंदी फरमाया इंसानियत मौत के दरवाजे पर सानू सीने लान वाला सानू सीने लान वाला जो दाया जब आ गया
मेरे भतीजे ते भतीजियां दी अल्लाह अकबर कबीरा उन्हां दे दिल दी गल रो के कहंदे ने अल्लाह अकबर कबीरा जिन्हां दा मैं तर्जमा नहीं करना चाहना सानू सीने लान वाला जुदाइयां अज पा गया सानू सीने लान वाला जुदाइयां अज पा गया बाप दा विछोड़ा साडे दिल नू दुखा गया बाप दा विछोड़ा साडे दिल नू दुखा गया सानू सीने लान वाला जुदाइयां अज पा गया बाप दा विछोड़ा साडे दिल नू दुखा गया रोंदियां ने अखां होया रोंदियां ने अखां होया दिल मजबूरे रोंदियां ने अखां होया दिल मजबूरे जान वाला टोर गया साथों बड़ी दूरे जान वाला टोर गया साथों बड़ी दूरे भुलना नहीं सदमा भुलना नहीं सदमा जो दिल नू लगा गया भुलना नहीं सदमा जो दिल नू लगा गया बाप दा विछोड़ा साडे दिल नू दुखा गया अल्लाह जानदा इंसानियत मौत के दरवाजे पर अल्लाह अकबर कबीरा जो बाप बच्चिया नाल प्यार कर दे वो दूसरे तीसरे नहीं कर सकते चाचे ताए जिन्नी भी हो जिन्ना भी हौसला देवन दलासा देवन लेकिन जो बाप दा प्यार कोई नहीं दे सकता वो बाप अल्लाह वर्गे होर दलासे लभदे नहीं बाप अल्लाह वर्गे होर दलासे लभदे नहीं तोर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप लावर के होर दलासे लभदे नहीं तोर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप मरे ते हौसले सारे टह जांदे बाप मरे ते हौसले सारे टह जांदे पुत्र दिया विच मुसीबतां पै जांदे लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं अपनी ओए औलाद दी हर गल सह जांदे होर भी होइया दिल दिया दिल विच लै जांदे होर भी होइया दिल दिया दिल विच लै जांदे किसे भी दुख तो बच्चियां कोलो हटदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप दे सर ते तीयां मौजां मान दियां बाप दे सर ते तीयां मौजां मान दियां बाप मरे ते पापियां भी नहीं जान दियां अपने वीर भी पैनाया के लगदे नहीं तुर जावे जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप मरे ते वेड़े सुंजे हो जांदे बाप मरे ते वेड़े सुंजे हो जांदे 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 खुले बूवे टो जांदे कदे किसे नू बाप गवाचे लभदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं अजलां तो ए रोग पुराने अज दे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं सब तो उचियां संगता यारो बाप दियां
सब तो उचियां सब तो उचियां संगता यारो बाप दियां जिन्हें ने कदमावां यारो तार दियां जिन्हें ने कदमावां यारो तार दियां बाप दे वर्गे होर दलासे लब दे नहीं तोर जावन जद बाप ते मुड़ के लब दे नहीं पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने माँ प्यो आखन सारे जग तो चंगे ने माँ प्यो आखन सारे जग तो चंगे ने पुत्रा खातर गैर दे पीछे लग दे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लब दे नहीं अल्लाह जानदा दिल दो बाप झिड़का सुना देंदा वे उन्दियां झिड़का दे अंदर भी प्यार हुंदा ई उन्दियां झिड़का दे अंदर भी साडे वास्ते खैर हुंदी ए अल्लाह अकबर कबीरा इस वास्ते चेते आंदियां जद पावां बाप दियां चेते आंदियां जद पावां बाप दियां निकलने अथरू वेख के रावा बाप दियां निकलने अथरू वेख के रावा बाप दियां अल्लाह जानदा जिन्ना दे बाप फोत हो जांदे ने जदों अपने घर अंदर दाखल हुंदे ने शामा पैंदियां ने बच्चे रोन लग पैंदे ने और गल्लां करदे ने अम्मी जान इस बैड ते मेरा अबू सोया करदा सी अम्मी जान इस चार पाई ते मेरा अबू बैठिया करदा सी इन्ना बर्तना च मेरा अबू खाया करदा सी ओदियां इस्तेमाल दियां चीजां वेख करके मापियां दी याद आ जांदी ए चेते आउंदियां जद पावा बाप दियां निकलने अथरू वेख के रावा बाप दियां निकलने अथरू वेख के रावा बाप दियां गुस्से विच भी बाप मुहब्बता करदा जे गुस्से विच भी बाप मुहब्बता करदा ए तुप्पां बारशां सर्दियां सब कुछ झरदा ए संघने रुख दे वांगू छावां संघने रुख दे वांगू छावां बाप दियां निकलने अथरू वेख के रावां बाप दियां बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं बाप कदे भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं रहिंदा सर ते कदे भी डिगन देंदा नहीं रहिंदा सर ते कदे भी डिगन देंदा नहीं कंड नहीं लगन देंदियां बावां कंड नहीं लगन देंदियां बावां बाप दियां चेते आउंदियां जद पावां बाप दियां निकलने अथरू वेख के रावां बाप दियां चेते आउंदियां जद पावां बाप दियां इंसानियत मौत के दरवाजे पर अल्लाह अकबर कबीरा कई लोग अल्लाह अकबर कबीरा जो जानते ने ते इंज करके अल्लाह अकबर कबीरा पूरे महल्ले नू रवा देंदे ने पूरी बस्ती नू रवा देंदे ने अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा लेकिन मैं दुआ करना अल्लाह मेरिया पतिजियां नू मेरे पतिजियां नू मेरे भाईवाल ते सदका जारिया बना दे अल्लाह अकबर
अंदर कबीरा इस दौर अंदर भी मेरा भाई अपन बेटिया इन्ना को प्यार करता सी कि पुत्रा नाल भी ज्यादा प्यार करता से उन्हें कभी अपन बेटिया झिड़किया नहीं सी। इसे वजह तो अल्लाह अकबर कबीरा अज बेटिया रो रही ने। अल्लाह अकबर कबीरा एक जुमला मैं बेटिया वास्ते भी बोल जावा ना ताकि उन्होंने एक सबर मिल जाए ना। जिन्ना बेटिया के बाप बहुत हो गए ने उन्होंने सबर मिल जाए बेटिया ने प्यार करना जे। अल्लाह अकबर कबीरा आंखों का नूर बेटिया आंखों का नूर बेटिया दिल का सुरूर बेटिया आंखों का नूर बेटिया नेमत अल्लाह की दास है ये रहमत करीम है हर दुख में चारा कर है ये साफर है ये अजीम है तापे है वालदैन की तापे है वालदैन की जन्नत की हूर बेटियां आंखों का नूर बेटियां दिल का सुरूर बेटियां इंसानियत मौत के दरवाजे पर फुल मना लई गाबार ओ जब कावत हु रब्बी का दुल जलाल वल इकराम जिदो मौत अमत ताजा भय अल्लाह हो पर कबीरा फिर कोई नहीं बचा नहीं सकता हर घर बिहार करके मैं अपने बात को खत्म करा ऐ गौर करे लेना अल्लाह अकबर कबीरा मेरी जमात आदीम खतीब मौलाना मोहम्मद सब तो वड्डा जनादा सी एन करके जो जनादा चले ना एन करके लोग रो रहे ने नौजवान भी रो रहे ने बुजुर्ग रो रहे ने बच्चे रो रहे ने मैं अड्डे वाली मस्जिद अल्लाह दे अल्लाह दे रसूल दियां गल्लां बयान कीतियां ने दीन दा ऐलान कीता तौहीद दा प्रचार कीता है अल्लाह अकबर कबीरा लेकिन कैफियत की बन जांदी है जदों घर दा मालिक तुर जाने अल्लाह अकबर कबीरा ने की कबीर दुनी है कौन करिया ने तुर जाना कर दे प्यारे नी तुर जाना कर दे प्यारे नी बेड़ा थबड़ा थबाया रे जहाना तुर जाना कर दे प्यारे नी बेड़ा थबड़ा थबाया रोल जाना तेरे पुत्र दिया ने रोल जाना यारा फुल दिया फुल जाना यारा फुल दिया फुल जाना तू बेटा कोल बटारिए तू बेटा कोल बटारिए तेरे पीछे मौत शका तू बैठा गोल बटारिए तेरे पीछे बहुत शिकारिए तेरे पीछे बहुत शिकारिए उठ जाना पर्ची तेरे ने उठ जाना पर्ची तेरे ने पिंजरा खुलिया खलाया रे जाना जदों मैं बलिया सजाएंगे यार तेरी याद ते यार सो बहाएंगे ओ गल्ला याद ते तेरियां ओ गल्ला याद ते तेरियां रैनियां नी नक्शा फुल दिया फुल जाना तुर जाना कर दे प्यारे ने बेड़ा थबड़ा थबाया जाना मला कुल्लु मन अलैहा फान व
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲਮਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਫੀਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਕਿਆਮਤ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਮਾ ਅਲੈਕ ਯਾ ਇਲਲਾ ਬਲਾਗ।